आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीतू त्रिपाठी में। आज हम बनाने चल रहे हैं पत्ता गोभी की टेस्टी सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, जो भी ऑयल खाते हो आप वही डाल लें। हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग और आधी चम्मच जीरा डाल रहे हैं। हमने 2 हरी मिर्ची चॉप कर ली है, इसको डाल देते हैं। मिर्ची हो गई है, अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। उन्हें धो के बड़ी बारीक काट ली है। इसको मिक्स कर देते हैं। 1 चम्मच नमक, स्वाद अनुसार डालें नमक। नमक को मिक्स कर देते हैं। 5 मिनट के लिए रख देते हैं और धीमी आंच में पका लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड, ये बन के बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए। 5 मिनट हो गया है और इसके ऊपर थोड़ा सा चला लेते हैं। ये सॉफ्ट हो गया, अब इसमें हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, आधी छोटी चम्मच के बराबर हम गर्म मसाला डालेंगे। इसमें लाल मिर्ची पाउडर आधी छोटी चम्मच, तीखा ज़्यादा खाते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, इसमें बढ़ा सकते हैं। आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं इसकी जगह। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच आटा, तो टीस्पून है जिसे डालना है। इसको पहले चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे, नहीं तो गुठली सी पड़ जाएगी। 1 चम्मच हम और डाल देते हैं। 2 चम्मच हमने इसमें गेहूँ का आटा डाल दिया है, तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 कप पानी, चाय का कप होता है इतने। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, एकदम सिम पे हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट है। कम तेल मसालों में ये बनके तैयार हो जाती है फटाफट। कुछ ना हो, कोई घर में आ जाए तो आप इसको बना सकते हैं। तो अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।